स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोए मोए मोमेंट्स ऑफ चमचास नेशनलिस्ट मीम्स फनी इंटरव्यू मीम्स। तो ये पूरा मीम्स जो वायरल हो रहे हैं ना लाइक सोशल मीडिया में, उसके रिलेटेड पूरा वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखना, हंसी मजाक वाला वीडियो है, मजा जरूर आने वाला है। तो मजा आए तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और एक काम और कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी है और इस सर्वेक्षण में यह पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भव्य मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं और ये प्रमाण ओए कहां जा रहा है, काफी फैसला करने है। बढ़िया था। सभी साथियों को जय श्री राम, जय जगदम्बे। बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इनकम्प्लीट मंदिर को ओपन करके इलेक्शन टाइम पे इन्होंने ओपन किया है, वो चीजें आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। रुको जरा। मुख्य पुजारी कौन है राम मंदिर के? आचार्य सत्येंद्र दास जी। उन्होंने कहा कि गर्भगृह पूरा होना चाहिए, शुभ मुहूर्त है, गर्भगृह पूरा है, शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये कौन कह रहा है जो 32 साल से राम जी का वहां पर जो मुख्य पुजारी है, जो उनकी आरती करते हैं, ये सीधा उनका मेरे साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है अयोध्या के। ओके ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। ओके बस हवा निकल गई भाई। अगर तुम्हें पता हो तो प्रो का उल्टा कौन होता है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो प्रोग्रेस का उल्टा कांग्रेस होगा। सही पकड़े हैं। क्या कहेंगे इंडिया जिस तरह से कश्मीर के अंदर अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, पूरी दुनिया बल्कि इस्लामिक कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पा रही। बजाओ ताले। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। तो क्या करूं ना हूं? मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी। अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। रहा कश्मीर का मसला, तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है, इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचे ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे पगलू जस्ची। कश्मीर के मामले में जज्बा की तरह ये नया फुंतरू कौन है? हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी नहीं ले पाएंगे। 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? आई पुट ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। आप क्या बात कर रहे हैं उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए 2 सितंबर 1946 क्या किया मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास में नाम लिखा है, आपने इतिहास लिखा क्या और कह रहे हैं आजादी लड़ाई? आपने अमर अनशन किया क्या? शांति शांति, हिंदू धर्म को बचाने का जान दी क्या? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, एक साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 1954 तक एयरफोर्स चीफ गैराट गिफ्ट रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। हमने आपने नेहरू के जिम्मे अरे आपने आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। माय पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन आई हैव गिवन यू द फोर नेम्स हु हैव गिवन अप देयर लाइव्स। हेमू कलानी, देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, बालाजी रायपुरकर, दे गिव अप देयर लाइव्स। ही कैन नेम वन कांग्रेस लीडर हु गिव अप देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस। आई एम आस्किंग हिम इफ माय आरएसएस लीडर्स आफ्टर गिविंग अप देयर लाइफ हैव एन एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप फॉर इंडिपेंडेंस। स्टेफानो माइनो किधर थे वो बता दो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। आई यादाश वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं। आप दो ना, आप दो ना। रुको जरा, सबर करो। हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए। मैं चुनौती से कहता हूँ कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाय जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िए, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, रसोइया भी था,
और वो किताब लिखने के लिए आजादी के बारे में महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहनी घटिया नहीं आजादी के महापुरुषों के बारे में ४८ में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे जाकर कभी चक्कर लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा किया है, आपका टेस्ट ले लिया जाए, आरसीसी के कॉलम का वेट लोड निकालने का फार्मूला बताए ऐसे इंजीनियरों से बकालवत बनवा लेना, नौकरी तो छोड़ो वरना बिल्डिंग रह जाएगी। भाई ये बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल हो गया, हो सकता है इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ा हो। सुनिए 10x10 फुट की 4 इंची की दीवार में कितनी ईंटें लगती है, सिविल इंजीनियर बताओ। ५०० से ५५० ईंटें लगती है, पढ़ाओ इन्हें। मैं तो कमा लेता हूँ भाई ₹1,000-2,000। अब बोले ₹1,000-2,000 रोज के कमा लेता है, देखो इनके एजेंट। तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। राहुल गांधी। धर्म हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सत्ये, द्वापर, त्रेता, कलियुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांडे गौर। गोत्र? शांडिंग्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद? वेतरयानी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? तिसरी चरण। पाम? बिस्वा। तुम्हारा असली नाम क्या है बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। क्यों घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिया बंद कर। योगी ने घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? क्यों हम नहीं करते मोदी को सपोर्ट, ना कभी करने को, इंशाल्लाह ना मोदी योगी आने के। ये हमारे दिलों में दुआ है, कभी नहीं आ सकता। ठीक है मोदी योगी। 300 घर क्यों तोड़? मैम 300 घर क्यों तोड़ दिया योगी ने, ये रीजन बताइए। योगी जी की चाल क्यों तोड़े क्यों नहीं तोड़े, हमें क्या, हमें कुछ नहीं है। रुक तेरे को बता देते काम। सरकारी जमीन में अब कब्जा करके बिल्डिंग बनवा देगी तो सरकार लेगा नहीं। गांधी को मौका देंगे आप? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम। क्या बोला तूने? और क्या, गांधी को मौका देंगे आप? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। चमक चलो। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ, कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बहुत ही कॉमेडी फनी मजा आ गया भाई। वीडियो के बारे में रिएक्शन तो और क्या थे भाई, आपने तो एडिटिंग किया बढ़िया किया, और देखो ये वीडियो में मजाक मस्ती के तौर पे लिया जाए तो ही मजा आएगा। और वो सूट बूट वाला जो पाकिस्तानी था जिसको कश्मीर चाहिए था, देखा बेटा भूल जा, जज्बे के साथ जुड़ा है, ठीक है जज्बे के नहीं, पाकिस्तान भी रहने वाला नहीं है नक्शे में, तू कश्मीर की बात कर रहा है बेटा, तू कुछ और जगह ढूंढ ले जहाँ आटा की व्यवस्था कर लो, कश्मीर नहीं तुम्हें लेना है। ये सनी देओल जी का वो डायलॉग था ना मूवी में, ठीक है तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो आप समझ जा क्या करोगे भारत, ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो मेहमान के खीर से स्वागत आपका किया जाएगा, लेकिन कुछ इधर उधर की बातें की तो फिर मेहमान हम नहीं देखते भाई फिर लाते ही फिर दिया आपको। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।